हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 185 सेल्फ कंट्रोल 2। सो इस लेसन में देखिए, यहाँ पे हम लोग को जैसे सबसे पहला एक्सरसाइज दिया गया है स्टोरी ऑफ ओडिसिस। तो मेनली इस स्टोरी में जो हम लोग को पढ़ना है वो ओडिसिस का स्टोरी ही है, ठीक है। तो स्टोरी देखिए आपको लेसन में कहीं भी नहीं है, तो इस स्टोरी को मैं आपको बताऊंगा कि इस ओडिसिस का स्टोरी क्या है, मतलब कि ओडिसिस का स्टोरी क्या है जो जिसके ऊपर यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ जो भी आप 9th 10th क्वेश्चन मतलब 8th 9th क्वेश्चन जितने भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको उसी स्टोरी के बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बहुत ही केयरफुल आप बस उस स्टोरी को सुनिएगा कि स्टोरी है क्या एक्चुअल में। तो जब तक आप स्टोरी क्लियरली नहीं समझेंगे तो आप इस इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको स्टोरी। द स्टोरी देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टोरी में एक ये स्टोरी एक राजा की स्टोरी है। तो वो जो राजा रहता है वो अभी मतलब कि मान के चलिए कि अभी वो वॉर में था, मतलब किसी लड़ाई झगड़ों में था, लड़ाई झगड़ों मतलब कहने मतलब वॉर में मतलब कि जंग में था, ठीक है। तो वहाँ से उस वॉर को जीत करके वो अपने घर वापस जा रहा था, अपने किंगडम वापस जा रहा था, अपने राज्य। सो अपने राज्य वापस जाने के लिए वो क्या था ना, पहले तो देखिए ट्रेन वगैरह उस तरीके की कोई चीज़ तो होती नहीं थी, तो वो क्या था ना समुद्र के रास्ते जा रहा था। ये मान लीजिए कि हम लोग का क्या है, ये समुद्र है। तो वो क्या था समुद्र के रास्ते जा रहा था, तो इसी और समुद्र में वो बोट से जा रहा था, ठीक है। जैसे ये समुद्र है, ये वो बोट से जा रहा था। तो जब वो बोट से जा रहा था, बोट में उसके साथ उस बाकी सारे मतलब उसके जो सैनिक वगैरह थे वो सारे सैनिक थे उसके साथ, और वो भी था, ठीक है। तो वो सारे के सारे बोट से जब वापस अपने किंगडम जा रहे थे, तो अचानक से मतलब एक मैजिकल पावर आया, मतलब आकाश से, ठीक है, मतलब आसमान से अचानक से सडनली एक मैजिकल पावर टाइप का आया। तो वो कौन थे, वो भगवान थे। सीधा भगवान मतलब कि आकर के ओडिसिस को वार्निंग दे करके गए। और वो वार्निंग क्या था, ओडिसिस को वार्निंग भगवान ने ये दिया था कि तुम जो आगे जा रहे हो तो आगे तुमको दो मॉन्स्टर मिलेंगे, और वो दो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक हैं, उनसे बस बच करके रहना। बस वो इतना ही बोलते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि वो जो मॉन्स्टर हैं वो मतलब कि अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को वो बहुत ही बढ़िया गाना गाते हैं, और अगर तुमने उनके गानों को सुन लिया, जो वो मॉन्स्टर गाना गाएंगे, अगर तुमने उनके गानों को सुन लिया तो तुम कभी भी मतलब कि उन्हें इग्नोर नहीं कर पाओगे, उस गाने को इग्नोर नहीं कर पाओगे, और तुम उनके नज़दीक चले जाओगे, फिर वो तुम्हें मार करके खा जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, मतलब वार्निंग दे करके गॉड चले गए। अब यहाँ पे पहले मॉन्स्टर को समझ लेते हैं, मॉन्स्टर कौन थे। तो यहाँ पे देखिए बीच में, जैसे यहाँ से जो जा रहा था किंग, इधर से बोट आ रहा, तो यहाँ जो बीच में एक आइसलैंड था, आइसलैंड समझते ना आप लोग, आइसलैंड का मतलब देखिए क्या होता है, आइसलैंड का मतलब कि चारों बगल पानी ही पानी हो, मतलब हर तरफ पानी हो, समुद्र में, समुद्र के बीच में आप देखेंगे हर तरफ पानी है, और पानी के बीचों बीच कहीं पे एक ज़मीन मतलब कि एक एरिया होता है, जो उसी एरिया पे मतलब कि उसी एरिया को हम लोग आइसलैंड कहते हैं, मतलब चारों बगल पानी हो बट सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कि क्या कह सकते हो उसे, एक एरिया हो, मतलब एक प्रॉपर एरिया हो वहाँ पे, जहाँ पे इंसान मतलब कि रह सकते हैं वहाँ पे, मतलब देखिएगा छोटा सा टापू वगैरह भी उसे कहते हैं। तो वहाँ पे बस कुछ पेड़ वगैरह रहते हैं, तो उस टाइप के जगहों को हम लोग आइसलैंड कहते हैं, ठीक है। तो उसी आइलैंड पे जो ये थे, क्या कहते हैं, जो दोनों मॉन्स्टर थे उसी आइलैंड पे थे। तो ये जो दोनों मॉन्स्टर हैं, इन दोनों मॉन्स्टर का नाम था साइरन, ठीक है, इन्हें मतलब कि साइरन कहते हैं। अब मॉन्स्टर जैसे देखिए, यहाँ जो दो मॉन्स्टर थे, इन दोनों का नाम था साइरन। अब ये दोनों करते क्या थे, जब भी कोई भी मतलब कि इसी रास्ते से गुजरता था, रास्ता तो देखिए यही है, तो इस रास्ते से जब भी कोई गुजरता था, तो ये दोनों क्या करते थे, सबसे पहले तो अपना मतलब कि कैरेक्टर चेंज कर लेते थे। कैरेक्टर करने का मतलब कि अपना रूप चेंज कर लेते थे, बदल लेते थे, मतलब कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला मतलब एक वूमेन का, एक लड़की का रूप धारण कर लेते थे, ताकि मतलब जो सामने वाला है वो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाए मतलब इसके। और उसके अलावा ये लोग क्या करते थे, सबसे पहले तो रूप बदल लेते थे, उसके बाद और क्या करते थे कि इतना बढ़िया ये गाना गाते थे, इतना ज़्यादा अच्छा गाना गाते थे कि सामने वाला इन्हें इग्नोर कर ही नहीं सकता है, चाह करके भी इग्नोर। और ये एक मैजिकल सॉन्ग था,
मतलब ये भी नहीं कि मतलब कि सुने अच्छा लगा तो चलो ठीक है मतलब इग्नोर करके चले गए, एक मैजिकल सॉन्ग ये लोग मतलब एक तरीके से गाते थे जिसे आप इग्नोर कर ही नहीं पाइएगा, तो इस तरीके का सॉन्ग ये लोग गाते थे। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए इतना यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद ये जो दोनों सायरन थे, इन दोनों सायरन से बचने के लिए जो हमारा ये था राजा जो है, इसने क्या किया, इसने अपने सारे के सारे सैनिकों को बुलाया। उसके बाद फिर इस बात पे डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद अपने सारे सैनिकों को इसने कहा कि सभी लोग अपने कान में मतलब कि कॉटन डाल लो, सभी लोग अपने कान में कॉटन डाल लो, रुई जो हम लोग कहते हैं रुई डाल लो अपने अपने कानों में, ताकि उससे क्या होगा कि उसके गाने तुम लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगा। उसके बाद राजा ने अपने जो सेनापति था राजा ने अपने सेनापति से कहा कि तुम मुझे एक वहाँ पे जैसे कि आप बोर्ड में देखोगे ना तो मस्ट कहते हैं उसे, MAST मस्ट कहते हैं उसे, ठीक है। मस्ट मतलब कि पिलर टाइप का आप कह सकते हो, एक खंभा, एक पिलर टाइप का, यहाँ पे जैसे बोट पे एक ऐसे पिलर था, ठीक है। तो राजा ने कहा कि मुझे इसी खंभे में बांध दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजा को जो वो था सेनापति था, उसने राजा को यहाँ पे बांध दिया, ठीक है, बहुत ही टाइटली राजा को बांध दिया। और राजा ने फिर उसे आदेश ये भी दिया कि मुझे टाइटली बांध दो, और मतलब कि अगर मैं तुम्हें खोलने के लिए कहूँ भी तो मुझे खोलना मत, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए तुम बिल्कुल मत खोलना मुझे, ठीक है। तो राजा को जो सेनापति था, राजा का सेनापति, तो राजा को उस मैस्ट में राजा को उसने बांध दिया, ठीक है, बहुत ही टाइटली। उसके बाद फिर वो लोग इसी रास्ते से गुजरने लगे। जब वो लोग इस रास्ते से गुजरने लगे तो गुजरते समय ये फिर आइलैंड आया तो फिर जो दोनों सायरन थे, दोनों के दोनों सायरन गाना गाने लगे। सायरन मीन्स मॉन्स्टर, ठीक है, इन लोगों का एक तरीके से आप कैसे नाम कह सकते हैं कि दोनों का नाम था सायरन, ठीक है। तो जो मॉन्स्टर थे वो गाना शुरू कर दिए। अब देखिए जितने सेनापति वगैरह थे, सेनापति और मतलब जो सेना लोग थे जितने भी, तो वो लोग क्या थे मतलब कि अपने कान में उन्होंने रुई डाला हुआ था, तो उसकी वजह से वो लोग गाना नहीं सुन पा रहे थे। बट जो राजा था वो गाना सुन रहा था, क्योंकि उसने रुई डाला नहीं था, उसने अपना हाथ बांधा था। तो उससे हुआ क्या कि राजा मतलब कि उनकी उनके गानों को सुन रहा था जो वो गाना गा रहे थे। तो राजा मतलब कि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट वो कंट्रोल अपने आप पे नहीं कर पा रहा था, वो जाना चाह रहा था उन लोगों के पास, तो अपने आप को मतलब छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उस जो मतलब कि बंधा हुआ था जो उसमें, तो उसको उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उस छुड़ाने की कोशिश करने की वजह से उसके हाथ में बहुत मतलब वो एक तरीके से इंजर्ड हो गया, खून वगैरह उसके निकलने लगे हाथों से, इतना ज़्यादा मतलब कि वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था मॉन्स्टर्स के पास, क्योंकि उनके जो गाने थे वो मैजिकल सॉन्ग्स थे, तो इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था। बट फाइनली वो लोग क्या किए, इस आइलैंड को क्रॉस कर गए। क्रॉस करने के बाद जो सेनापति था उसने राजा को खोला। उसके बाद फिर सभी लोग शांति से मतलब अपने किंगडम पहुंच गए, सब कुछ मतलब कि अच्छी तरीके से हो गया, कहीं पे भी रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या थी, स्टोरी थी। अब इसी स्टोरी पे देखिए ऊपर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड ओडिसिस बाइंड हिमसेल्फ टू द मैस्ट, मतलब कि मैस्ट में खुद को ओडिसिस ने क्यों बांधा था। तो बहुत ही देखिए सिंपल है, ओडिसिस ने खुद को क्यों बांधा था, हम लोग सब जान रहे हैं कि उस मॉन्स्टर से बचने के लिए ओडिसिस ने अपने आप को उस मैस्ट में बांधा था, ताकि मतलब कि वो अपने सेनापति वगैरह को ऑर्डर भी ना दे सके, मतलब कहने का मतलब बंधा रहेगा तो वो उस तरीके से नहीं कर सकता ना कि ज़बरदस्ती चला जाए या फिर कुछ। तो बंधा जब रहेगा वो, तो उससे क्या है कि वो अपने आप को छुड़ाने, और उसने पहले ही आदेश दे दिया था कि मैं कितना भी चिल्लाऊँ कुछ भी करूँ मुझे छोड़ना मत, मतलब मुझे बंधे ही रहने देना, खोलना मत मुझे। तो इसलिए मतलब कि उसने इसलिए बांधा ताकि मतलब कि उस मॉन्स्टर से वो खुद भी बच सके और अपने जो सेना लोग थे उसके उसे भी बचा सके, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड ओडिसिस नॉट रिलाई ऑन हिज विल पावर, मतलब कि रिलाई ऑन हिज विल पावर मतलब कहने का मतलब कि ओडिसिस ऐसा क्यों, मतलब अपने ऊपर उसे विश्वास क्यों नहीं था, मतलब वो चाहता तो मतलब अब उसमें ना बांध करके वो सिर्फ ऐसे भी रह करके भी उनका सामना कर सकता था, मतलब बिना रुई डाले और बिना हाथ बांधे मतलब ऐसे ही सामना कर सकता था, तो वो अपने ऊपर क्यों विश्वास नहीं किया,
क्योंकि देखिए यहाँ इसका सिंपल सा आंसर है कि उसने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि वो जानता है कि वो कहीं ना कहीं एक साधारण मनुष्य है और वो जो थे वो मॉन्स्टर्स थे और मैजिकल सॉन्ग जब वो गा रहे थे और कहीं ना कहीं खुद लॉर्ड मतलब कि भगवान खुद आकर के जब उसे वार्निंग दे गए थे तो हाउ इट्स पॉसिबल मतलब कि उसे इग्नोर करना तो कहीं से भी एक मतलब कि मूर्खता होती हो उस राजा के लिए। और तो इससे राजा की कहीं ना कहीं समझदारी पता चलती है कि राजा समझदार था, उसने मतलब कि बेवकूफ़ी नहीं की। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है इफ़ योर गोल्स आर अचीवेबल स्मार्ट गोल्स व्हाट इन योर लाइफ प्रिवेंट यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स व्हाट हु आर योर सायरन मीन्स मान लीजिए कि आपका कोई गोल है एंड व्हाट इज व्हाट इन योर लाइफ प्रिवेंट्स यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स और व्हाट हु आर मतलब देखिए कौन है ऐसा मतलब कि जो आपको प्रिवेंट करता है और ऐसा कौन है मतलब कि कौन आपको बचाता है मतलब कि उस अचीव को उस गोल को अचीव करने में कौन आपकी मदद करता है और आपकी लाइफ में कौन सायरन है आपका, सायरन मतलब कि जो मॉन्स्टर हैं आपकी लाइफ में कौन है। तो मान के चलिए कि मतलब आप कुछ भी करना चाह रहे हो ठीक है, जैसे कि आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो और उसको अचीव करने के लिए मतलब कि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो क्या है आपका सायरन है ठीक है, या फिर आपके हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपको उस चीज़ को करने नहीं देना चाहता हो तो आप उसका भी नाम ले सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ माई सायरन। ओके तो जो आपके लाइफ में देखिए जो मॉन्स्टर कहने का मतलब कि जो आपको प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं मतलब कि जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें या फिर जो आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है आपका सायरन है ठीक है। तो इस और आपका जो मतलब कि जो गोल है आप फिर अपना गोल बताएंगे और आप वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताएंगे मतलब कि कौन आपका सायरन है। तो ये देखिए ये सारे आपका मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपके लाइफ में कौन आपका सायरन है। उसके बाद देखिए फिफ्थ फोर्थ क्या है, व्हाट कैन यू स्टे कमिटेड टू योर गोल्स कैन यू ऑलवेज rely on विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल टू स्टे फोकस। देखिए what can you stay committed to your goal मतलब कि आप अपने गोल के लिए ऐसा क्या कमिटेड करके रखें कि जैसे कि होता है ना कुछ लोग कहते हैं आई विल नेवर गिव अप मतलब कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, तो इस तरीके से जैसे कि आपने अपने लाइफ से मतलब अपने लाइफ में अपने गोल के लिए क्या कमिटेड करके रखा है कि मतलब कि अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप ऐसा बताओगे, नहीं तो फिर आप मैक्सिमम लोग जो होते हैं यही कहेंगे कि आई विल नेवर गिव अप, तो मतलब कि इस तरीके का मैंने कमिटेड करके रखा है। कैन यू ऑलवेज रिलाई ऑन विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल टू स्टे फोकस, क्या आप हमेशा मतलब कि अपने विल पावर पर भरोसा रखते हैं और अपने आप ऊपर सेल्फ कंट्रोल पर फोकस रखते हैं या रख पाते हैं आप मतलब कि या रख मतलब कि रख सकते हैं, कहने का मतलब है कि क्या आप हमेशा अपने विल पावर पे भरोसा रख सकते हैं और मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस चीज़ को मतलब कि कर लूँगा और या फिर आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है कि हाँ मैं इस चीज़ को मतलब कि कहीं ना कहीं से हासिल कर लूँगा। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मिलूँ कि कोई भी चीज़ अचीव करना है आपको और उसके लिए टाइम लग रहा है 1 साल 2 साल 3 साल ठीक है, कुछ भी एक टाइम लिमिट हम लोग ले लेते हैं कितना टाइम लग रहा है। अब आपके पास उसके लिए मतलब कि आपको उस चीज़ को अचीव करने में 3 साल लग रहा है बट आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं किसी तरीके से 1 महीने में या 1 साल में अचीव कर लूँ, तो वहाँ पर क्या आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाइएगा। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या मतलब कि ऐसा पॉसिबल है, तो देखिए कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सभी लोगों को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसा कि देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उस स्टोरी के ऊपर है, तो स्टोरी में देखिए किंग को भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी, अगर वो जो गॉड थे भगवान जो थे अगर वो नहीं आते उसे मतलब कि वार्न करने के लिए वार्निंग देने के लिए तो उसे कभी पता नहीं चलता, वो सभी जाते और उस तरीके से गाना सुनते और मतलब उसके आइलैंड पे जाकर के मर जाते ठीक है। तो मतलब कि ये जो बात है कि मतलब कि यहाँ पे बात ये आती है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जब हमको सामने वाला सपोर्ट करता है तब हम क्या होते हैं सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो हमेशा हम लोग अपने विल पावर के ऊपर नहीं रह सकते, हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, ये भी सच है क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम मतलब 100% अपने आप के ऊपर हमेशा कंट्रोल रख पाएँ ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, विल इट ऑलवेज वर्क वाई मतलब क्या ये हमेशा वर्क करता है, तो यस देखिए इट्स ऑलवेज वर्क। जैसा कि राजा ने जो एक प्लानिंग बनाई थी
कि इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे कि कुछ लोग रुई डाल लेंगे और मैं मतलब कि राजा हूँ तो मैं पिलर में या जो भी मस्ट जो था उसमें मैं अपने आप को बांध लूँगा। तो एक देखिए प्रॉपर राजा ने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो गया। तो अगर इस तरीके से देखिए हम लोग अपने लाइफ में भी करेंगे कि मतलब हम लोग को सबसे पहला कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए, उसके बाद फिर हम लोग एक प्लानिंग बढ़िया एक प्रॉपर प्लानिंग करके और उस चीज़ को चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग उस चीज़ को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो 100% मतलब चांस नहीं बट 99% चांस होता ही होता है कि हम लोग उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं अगर हम लोग अपना बेस्ट उसमें देते हैं। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे मतलब कि ये चीज़ मतलब कि सच है मतलब सही है कि हाँ मतलब कि ये चीज़ ये जो है ये वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिक्स्थ है, वट रोल डू फायर लाइटर्स एंड फायर फाइटर्स प्ले इन कीपिंग यू ऑन ट्रैक। मतलब कि जो फायर लाइटर्स और फायर फाइटर्स हैं वो प्ले इन कीपिंग यू ऑन ट्रैक, मतलब कि आपको एक ट्रैक आपको ट्रैक पे लाने के लिए मतलब कि कैसा रोल प्ले करते हैं, किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, मतलब आपको ट्रैक पे लाने के लिए कहने का मतलब कि आपको एक सही रास्ते पे लाने के लिए वो किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। तो देखिए जो फायर लाइटर्स हैं हम लोग जानते हैं कि जो फायर लाइटर हैं जो द पर्सन हु मोटिवेट्स और हु सपोर्ट्स अस, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड फायर लाइटर्स। एंड फायर फाइटर्स द पर्सन हु डोंट वांट टू मोटिवेट अस और दे ऑलवेज डीमोटिवेट अस, मीन्स कभी भी वो हम लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहता है, हमेशा डीमोटिवेट करता है और सपोर्ट कभी नहीं करता है, डिमोरलाइज करता है हम लोगों को। तो दे आर कॉल्ड फायर फाइटर्स। तो कहीं ना कहीं देखिए जो फायर लाइटर्स हैं उनकी वजह से हम लोग ट्रैक पे आते हैं और जो फायर फाइटर्स हैं फायर फाइटर्स की वजह से भी कुछ लोग ट्रैक पे आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, मैंने जब ये फायर फाइटर फायर लाइटर पढ़ाया था तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर डिस्कस करके बताया था। ठीक है, तो फिर भी मैं यहाँ पर रिकैप लेता हूँ कि देखिए जो फायर फाइटर हैं जब उनकी बातों जब वो हम लोगों को कुछ बोलते हैं ना कि मतलब तू नहीं कर पाएगा यू कांट डू इट, तो वहाँ पर देखिए हम लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर एक वो आता है कि नहीं मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ, अगर वो इस तरीके से कह रहा है तब तो मैं उसे ज़रूर करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये भी देखिए एक मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इससे अगर पॉजिटिव मिले तो ये भी हम लोग को कहीं ना कहीं ट्रैक पे लेकर के आता है। ठीक है, अगर हम लोग इसे पॉजिटिव मिले। उसके बाद देखिए सेवन्थ हम लोग देख लेते हैं, सेवन्थ क्या है क्वेश्चन, वॉट स्ट्रेटजीज कैन यू सी लाइक ओडिसिस टाइड हिमसेल्फ टू द मास्ट टू मेक इट वर्क, मीन्स अगर व्हाट स्ट्रेटजीज कैन यू यूज़ टू मेक इट वर्क, मतलब कि आप किस तरीके के स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे अपने लाइफ में, और मतलब कि इसे जैसे कि लाइक ओडिसिस टाइड हिमसेल्फ टू द मैस्ट, मतलब ओडिसिस ने अपने आप को मैस्ट में बांध लिया था, उसी तरीके से आप मतलब कि किस तरीके का स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, तो ये आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बताएंगे किस तरीके के क्या कहते हैं मतलब किस तरीके का स्ट्रेटजीज आप मतलब कि यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब यहाँ पे देखिए जैसे कि व्हाट स्ट्रेटजीज कैन यू यूज़ टू मेक इट वर्क, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए दोनों हो सकता है, जैसे कि या तो आप स्टोरी की अगर बात करें तो स्टोरी में भी क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ लिखा नहीं है कन्फर्म कि यहाँ स्टोरी की पूछ रहा है या फिर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप दोनों में से मतलब कि कोई बता सकते हैं, नहीं तो आपके जो फैसिलिटेटर हैं वो आपको खुद बताएंगे कि इसके ऊपर बताएं, क्योंकि कुछ फैसिलिटेटर जो होते हैं वो कहते हैं कि स्टोरी के बेस पे बताइए कि स्टोरी में मतलब कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज रहती, या फिर कुछ फैसिलिटेटर कहते हैं कि अपने लाइफ में बताइए कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज है कि आप इस चीज़ को सक्सेसफुल कर जाएंगे इस चीज़ को अचीव कर जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना स्ट्रेटजी बताएंगे, अगर आपसे मतलब स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो स्टोरी मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझाया है आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट यह है हु कैन यू टेक हेल्प फ्रॉम सो दैट यू डू नॉट गेट टेम्पटेड, मीन्स देखिए मतलब कि आप किससे आप मतलब कि हेल्प लोगे अपने लाइफ में, आप किससे हेल्प, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि मतलब कि आप किससे अपने लाइफ में हेल्प लोगे, जिस तरीके से लाइक ओडिसिस टुक हेल्प ऑफ मैन और ऑन ही सीप, मतलब कि जैसे कि
उस शिप में जो मतलब कि जो मैन था, जो आदमी था, उससे ओडिसेस ने हेल्प लिया था। उस तरीके से आप अपनी लाइफ में किससे हेल्प लोगे, तो ये भी देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप अपनी लाइफ में किससे हेल्प लोगे, ठीक है। मतलब कि या फिर कौन आपके लाइफ में ऐसा है जो कि आपके आपका हेल्प कर सकता है या आपका फायर लाइटर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नाइन्थ क्या है, नाइन्थ है कैन सेल्फ कंट्रोल बिकम अ हैबिट, इफ़ नो वाई, इफ़ यस हाउ। देखिए सेल्फ कंट्रोल बिकम अ हैबिट, अब देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मे बी सेल्फ कंट्रोल बिकम अ हैबिट, ये हैबिट बन सकती है, इसमें कोई भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये चीज़ सेल्फ कंट्रोल नहीं बन सकती, ये देखिए सेल्फ कंट्रोल बन सकती है। तो अगर हम बात करें कि सेल्फ कंट्रोल कैसे बन सकती है, तो देखिए अगर कोई भी इंसान एक देखिए मैच्योर जब हो जाता है ना, या फिर जो मैच्योर नहीं भी होते हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ कभी कभी आता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें अब सिक्स सेवन्थ के बच्चों की भी बात करें, तो वो क्या होता है कि मतलब उन लोगों के भी अंदर रहता है कि मतलब जल्दी से स्कूल ख़त्म हो जाए, बढ़िया एकदम कॉलेज वाले जाएँ, हम लोग कॉलेज में मस्ती करें, भैया को देखते हैं कॉलेज में मस्ती करते हुए, या फिर जॉब के बारे में सोचते हैं। तो मतलब लेकिन देखिए उनके अंदर ये सेल्फ कंट्रोल रहता है कि वो इस ये तो सोचते हैं कि मतलब ट्वेल्थ वगैरह सीधा कर लें, कॉलेज कर लें, हर चीज़ कर लें, लेकिन एक उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल है कि वो मतलब कि उसके लिए बेचैन नहीं होते हैं, मतलब कि फिर वो होता है ना कि उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाइए। जैसे कि अगर वो चाह रहा है कॉलेज में सीधा जाना है तो क्या करता है, गिव अप कर देता है कि नहीं अब मुझे पढ़ाई करना ही नहीं, पढ़ाई से ध्यान ही से हटा देता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू उस पढ़ाई को मतलब करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखिए सेल्फ कंट्रोल है उसके अंदर, ठीक है, कि उस वो अपने आप पे अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये देखिए एक हैबिट भी है कहीं ना कहीं, एक स्टार्टिंग से वो हैबिट अपने अंदर बनाता आ रहा है, तो एक हैबिट होता है। और कुछ लोगों को देखिएगा मतलब कि आप जैसे बड़े लोग हैं या फिर आपके जो भैया लोग होंगे, तो देखिएगा उनको मतलब किसी भी सिचुएशन में देखिएगा तो वो मतलब गुस्सा अगर उनके अंदर आता भी है तो वो अपने गुस्से को अंदर रखते हैं, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो जो कंट्रोल है ये कहीं ना कहीं हैबिट भी बन जाता है, ठीक है, लोगों के अंदर। तो आप यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हो। इसके बाद और देखिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला है सेम यही चिपका दोगे आप क्लास में, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ और भी बोल सकते हो। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज बी, अब हम लोग देख लेते हैं बी क्या है, रीड द स्टोरी एंड राइट द एग्जाम्पल्स। अब यहाँ देखिए आपको स्टोरी को रीड करना है, तब स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टोरी में एक 8 साल का बच्चा है, वो विटामिन्स की गोलियाँ लेता है, मतलब अपने आप को लंबा करने के लिए और मतलब लंबा चौड़ा करने के लिए, समझ लीजिए इन सिंपल, लंबा और चौड़ा करने के लिए अपने आप को क्या करता है, वो एक विटामिन की गोली लेता है। आफ्टर टेकिंग द विटामिन वन मॉर्निंग, एक दिन, एक मतलब कि दिन की बात है, वो मतलब कि सोच रहा था कि मतलब एक दिन में मैं एक मतलब एक गोली खाता हूँ तो इतना मैं मतलब कि बड़ा होऊंगा, बट अगर 5 गोली मैं एक ही दिन में खा जाऊंगा तो मैं 5 गुना बड़ा होऊंगा। मतलब उस वो ऐसा सोचता है एक दिन कि मतलब एक गोली मैं खाता हूं तो इतना ही बड़ा होता हूं, बट सोचो 5 गोली खाऊंगा तो सीधा मैं 5 गुना बड़ा होऊंगा, 5 गुना मतलब कि मजबूत हो जाऊंगा, स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। तो वो अपनी मतलब कि माँ से ये चीज़ बताता है। उसके बाद जो उसकी माँ होती है कि उसके बाद देखिए उसकी माँ एक कोड बोलती है, सन समथिंग टू मच ऑफ अ गुड थिंग कैन बी अ बैड थिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी कभी कभी गलत चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जस्ट एज द फार्मर, अब यहाँ पे वो एक फार्मर का एग्जांपल लेकर के अपने बेटे को समझाती है कि जैसे कि फार्मर देखो हमेशा बारिश का इंतज़ार करता है कि बारिश हो जाए तो हमारी फसल अच्छी होगी, बट अगर वही बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो एक फ्लड का रूप मतलब कि ले लेती है, मतलब एक बाढ़ का रूप ले लेती है, तो उससे क्या होता है सारी की सारी फसल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो गया कि मतलब कि बारिश फार्मर के लिए अच्छी चीज़ थी, बट वही अच्छी चीज़ ज़्यादा मात्रा में अगर आ गई, मतलब कि ज़्यादा अगर वो आ गया मतलब कि जो एक होना चाहिए लिमिट होना चाहिए वो अनलिमिटेड हो गया वहाँ पे, तो क्या हो गया सारी की सारी फसल जो थी वो ख़राब हो गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग को एग्जांपल्स जो लिखने के लिए कहा गया था वही यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एग्जांपल्स लिख देना है कुछ एग्जांपल, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कंट्रोल इज वीकनेस। अब देखिए आपको जैसे कि स्ट्रेंथ में लिखना है तो सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ आप कैसे लिखोगे। अब देखिए सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने ऊपर बहुत 2-3 बार डिस्कस भी किया है कि अब आपके अंदर अगर पेशेंस है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो
अब आप कंटिन्यूस पढ़ाई को कर रहे हो, बीच में गिवअप नहीं कर रहे हो। जैसे कि देखिए होता है कि बहुत लोग मतलब कि चिढ़ जाते हैं या फिर मतलब कि सोचते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं पेशेंस रखते हैं अपने ऊपर। तो वो जो पेशेंस आप रख रहे हैं ना अपने अपने अंदर, तो वो आपका सेल्फ कंट्रोल है और वो आपका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेंथ है आपका, ठीक है। और जैसे कि आप एग्जांपल लोगे तो एग्जांपल जैसे कि आपका कोई सीनियर डांट रहा हो, जैसे कि आप मम्मी पापा की बात ले लेते हैं, मम्मी पापा आपको डांट रहे हो और आप उसे मतलब कि सुन रहे हो और उसे समझ रहे हो और उस चीज़ को अपनी लाइफ में मतलब कि लेने की कोशिश, उतारने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मतलब जो भी मिस्टेक आपने किया है तो आपके मम्मी पापा तो समझा ही रहे होंगे उस चीज़ को। अब उसे आप मतलब कि सुन रहे हो और उसे मतलब कि ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ मैंने ये मिस्टेक किया है, मुझे ये चीज़ करना चाहिए। तो वहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि मतलब कि उल्टा जवाब देने लगते हैं, तो वहाँ पर देखिए आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मतलब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो एज आप लोगों का है, जो 17 to आप कह सकते हो, 17 नहीं, हम 15 to 16 ही कहते हैं, 16 से लेकर के जो 20, 21, 22 तक जो बच्चे होते हैं, 24 मतलब एक ले लेते हैं, एक एज 16 to 24 जितने बच्चे होते हैं उनके अंदर ये होता है ना कि मतलब मम्मी पापा भी बोलते तो उन्हें उल्टा जवाब दे देते हैं, ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। तो ये देखिए ये आप मतलब ये हार्मोन्स की वजह से ही होता है कहीं ना कहीं, ये मतलब गुस्सा आ जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे क्या है, उन्हें उनके अंदर क्या है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। बट जो अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये क्या है, स्ट्रेंथ है। बट अब यहाँ पे देखिए अगर वीकनेस की बात करें तो वीकनेस देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसी का जैसे अपोजिट ले लें कि अगर आप गिव अप कर दे रहे तो आपके लिए वीकनेस है, कोई आपको बड़ा डांट रहा है आप उसे उल्टा जवाब दे रहे हैं तो ये आपके लिए वीकनेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वीकनेस है आपके लिए। तो हमेशा हम लोगों को यहाँ पे करना क्या चाहिए कि हम लोगों को स्ट्रेंथ पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि जो मतलब कि पेशेंस रखना चाहिए हम लोगों को, मेनली अगर कहा जाए तो पेशेंस हम लोगों को अपने अंदर रखना चाहिए, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही था और इस लेसन में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। इंस्टाग्राम पे आप पूछिए या फिर यहाँ कमेंट करके पूछिए। जैसे कि देखिए कुछ बच्चे अब यहाँ पे कमेंट करेंगे कि इसका जो वो था आंसर जो था, इसका आंसर आप इंग्लिश में मतलब कि बताइए। अब देखिए एक बार इंग्लिश में बताऊँ एक बार हिंदी में बताऊँ तो मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे कि कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। मतलब इंग्लिश में बताने का मतलब कि देखिए एक ऐसे इंग्लिश में नहीं बता सकता ना कि मतलब बस ऐसे बोलते हुए चला गया, इंग्लिश में मैं बताऊँगा तो एक प्रॉपर उसका इंग्लिश बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि एक देखिए बात करने में और एक पूरा एक्चुअल आंसर बताने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल अगर इसका मैं सभी का आंसर अगर मैं बताऊंगा, 9 यहाँ पे देखिए टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 का मैं एक्चुअल इंग्लिश में बताता चाहूँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाती। तो जैसे कि मैंने देखिए हिंदी में स्टोरी भी समझाई, तो इसीलिए मैंने पूरा की पूरी जो वीडियो है वो अच्छे से हिंदी में समझाई और मैक्सिमम लोगों को हिंदी में अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट अगर आप लोग को देखिए इंग्लिश में चाहिए इसका मतलब कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कह रहे हैं मतलब कि कोई भी जैसे आपको ना समझ में आए, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग को 90% बच्चों को समझ में आया ही होगा। बट फिर भी देखिए जैसे कि हिंदी में मैंने आपको समझा दिया तो इंग्लिश में आप तो खुद बना ही लोगे, इतना तो मतलब कि अब FEM आप एडवांस लेवल पे जाने वाले हो तो इतना तो आप लोग कर ही लोगे। बट अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूँ ना यहाँ पे, मतलब कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बस मैंने वीडियो बना दी मेरा काम खत्म हो गया, मैं ऐसा भी तो नहीं कह रहा हूँ ना। आप इंस्टाग्राम पे पूछो मुझसे कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में करके बताओ, तो मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर, मैं अगर आपने अभी मैसेज किया है तो आधे घंटे या एक घंटे बाद मैं प्रॉपर आपको अच्छे से मतलब उसे डिफाइन करके आपको दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कभी टेंशन मत हो कि इंग्लिश में वीडियो है हिंदी में वीडियो है, तो उसके हिंदी इंग्लिश के लिए तो आप कभी टेंशन ही मत लो, ठीक है। बस आप देखो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो बस। So thank you so much for watching this video.